हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएस यात्रा में। आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। ये 2 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक राहत पैकेज का हिस्सा है और इसके विषय में कुछ नई अपडेट्स आई हैं जिसको मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा। मेरा नाम आशीष है और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशंस। ये चर्चा में क्यों है तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यह जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। पीएम स्वनिधि योजना जो कि 2 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी, 1 लाख ऋण के आवेदन पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं। पीएम स्वनिधि योजना कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत घोषित आर्थिक पैकेज का एक हिस्सा है और यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक वरदान, एक बड़ा राहत पैकेज है और इसमें 1 वर्ष में 10,000 तक के पूंजीगत ऋण का प्रावधान किया गया है। आप अच्छी तरह जानते हैं कोविड-19 की महामारी के पश्चात स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले, सब्जी और फलों का ठेला लगाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उनके लिए एक बड़ा राहत पैकेज हमारी सरकार लेकर आई है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लॉकडाउन के बाद काम फिर से शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके ऋण को पाने के लिए कोई किसी तरह का जमानत और कोलेट्रल नहीं रखना होगा। इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान मासिक किश्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे। साथ ही इस योजना के तहत यदि लाभार्थी किसी लिए गए ऋण पर भुगतान समय से या निर्धारित तिथि से पहले करते हैं तो उन्हें 7% वार्षिक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो कि DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में 6 माह के अंतराल पर सीधे प्रदान की जाएगी। इस योजना में निर्धारित तिथि से पहले ऋण के पूर्ण भुगतान पर कोई जुर्माना लागू नहीं होगा और सूक्ष्म वित्त संस्थानों, NBFC, स्वयं सहायता समूहों, बैंकों को शहरी क्षेत्र की गरीब आबादी से जुड़ी इस योजना में शामिल किया गया है। इन संस्थानों को ज़मीनी स्तर पर उनकी उपस्थिति और छोटे व्यापारियों व शहरों की गरीब आबादी के साथ निकटता के कारण इस योजना में शामिल किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड-19 महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति के मद्देनज़र आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की शुरुआत की गई है। यहाँ इन सबको शामिल करने का मतलब क्या है? इन सबको शामिल करने का मतलब ये है कि ये सब जो हमारी स्ट्रीट वेंडर्स और जो हमारी जनता है, जो हमारी आबादी है, उससे निकटता से जुड़े होते हैं और इस योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे, जो ज़रूरतमंद है उस तक पहुँचे, इसलिए इन सभी को इस स्कीम में शामिल किया गया है। मिशन को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। प्रथम चरण के तहत चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा और द्वितीय चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा और स्टील जैसे बड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? इसके तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 10% है। पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों जो कि एक उद्योग को शुरू करने के लिए 4 प्रमुख आधार स्तंभ हैं। भूमि, जिसमें संसाधन भी आ जाते हैं, श्रम, लेबर, तरलता अर्थात पूंजी और कानून, उस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। और आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ हैं जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री अपने भाषण में कर चुके हैं। अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल, क्वांटम जंप पर आधारित हो। अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रौद्योगिकी, 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली। चौथा, गतिशील जनसांख्यिकी जो कि कौशल युक्त हो, जो कि सृजन युक्त हो, जो कि आत्मनिर्भर भी हो, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। और मांग, आपको अच्छी तरह मालूम है डिमांड जो कि किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है और आज के डेट में डिमांड ही सबसे नीचे गिर गई है। कोविड-19 की महामारी से पहले भी डिमांड नीचे जा रही थी और आज भी यही स्थिति बनी हुई है और डिमांड और ज़्यादा नीचे जा रही है क्योंकि अब तो बेरोज़गारी भी अपने चरम पर है।
और उद्योगों और अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर को इस कोविड-19 महामारी के कारण धक्का लगा है। उद्योग भी चरमरा गए हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तो इकोनॉमी को दोबारा ग्रो करने के लिए डिमांड क्रिएशन, मांग को सृजित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर हमारी सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।